गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी घर पर अपने पेरेंट्स के साथ बच्चों स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बेटा, आज हम आपकी क्राफ्ट बुक में पेज नंबर 7 पर रोज एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको आज पेंसिल शेडिंग वर्क सिखाएंगे। ठीक है बेटा, इसमें देखो लिखा हुआ है यूज टू बी पेंसिल। ठीक है, अगर आपके पास है 2B की पेंसिल तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास जो पेंसिल है आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से देखिए, ये मेरे पास 2B की और 4B की दोनों ही पेंसिल्स हैं, तो मैं आपको यहाँ पे 2B से काम करना सिखा रही हूँ। ठीक है बेटा, तो आप देखिए जैसे जैसे इसमें आपको शेड करना दिखाया हुआ है, इसी तरीके से हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं और आपने भी ऐसे ही करने की कोशिश करनी है। ठीक है बेटा, तो चलो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, जिस चीज़ की ड्राइंग जैसे बनी होती है आपको उसमें उसी तरीके से कलरिंग या शेडिंग दिखानी होती है। ठीक है बेटा, पहले एक बार आप सारे में शेड कर लीजिए, फिर हम उसको थोड़ा सा लाइट डार्क कर देंगे। अब जैसे ये लीफ बनी हुई है, इसकी इन लाइंस को डार्क कर लीजिए और इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपने ये शेडिंग देनी है। ऊपर की तरफ आपको हाथ रखना है बच्चे, और ऊपर लाइंस जो है ऐसे इस तरीके से आपको ऊपर की साइड लेके जानी है, लेकिन लेके हमने जो आपकी लीफ है उसी जिस शेप में लीफ बनी हुई है उसी शेप में आपको अपने हाथ को भी चलाना है। अब जैसे यहाँ पे यह लीफ आपकी नीचे की तरफ झुकी हुई है, तो आपको इसमें नीचे की तरफ लाना है। नीचे से लाइन स्टार्ट करके आपको इसको जितना आप ऊपर तक ले जा सकते हैं ठीक है, नहीं तो आप ऊपर से फिर दोबारा इस तरीके से कर लीजिए। एक बार हम सारे में लाइनें कर देते हैं।
ठीक है बेटा। अब आप क्या करेंगे, इसकी दोबारा से पहले आउटलाइन कर लीजिए सारे की, डार्क डार्क इस तरीके से। और इसको साथ साथ शेड भी देते जाइए, दोबारा से थोड़ा थोड़ा डार्क कर दीजिए इसको। तो देखा बेटा, इस तरीके से आपकी एक्टिविटी बनके कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम अपनी कॉपी की एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। मेरी पहचान है मेरे पापा, मेरी हर खुशी है मेरे पापा, जो लाखों में एक है वो मेरी जान है मेरे पापा। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे
कि मैं किस डे की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं फादर्स डे की बात कर रही हूँ। तो बच्चों, आप सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बच्चों, आज हम इसके लिए अपने पापा के लिए एक कार्ड बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको इस तरीके की शीट चाहिएगी, ठीक है। और आपके पास कोई भी कलर्ड पेपर घर पे रखा हो तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, वाइट पेपर के ऊपर कलर करके फिर अपनी स्ट्रिप्स बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा है, ये एक A4 साइज की शीट ले ली है, इसको हमने फोल्ड कर लिया। चाहे आपके पास जिस भी कलर की हो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। इसको आपने इस तरीके से फोल्ड करके रख दिया। ये मैंने स्केल लिया है, ये फेविकोल है, पेंसिल है, सीजर्स है, ये मैंने ओरिगेमी शीट्स ले ली हैं बेटा। और आप जब सीजर का काम करें तो मम्मा के साथ या अपने बड़े बहन भाई के साथ करना, ठीक है। आपने अकेले में बैठ के सीजर का काम नहीं करना। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से अपने स्केल के ऊपर इस तरीके से पेपर को देखो, इस जैसे ये मैं रख रही हूँ स्केल को, इस तरीके से आप भी ऐसे करके और अपनी ये स्ट्रिप हमने सीजर से काट लेनी है, ठीक है बेटा। अब काट के आपको क्या करना है, इसको हमने फोल्ड किया और ये फोल्ड करके इस तरीके से हम अपनी सारी शीटें जो हम हमारी स्ट्रिप्स हैं वो तैयार कर लेंगे इस तरीके से। तो अब आप क्या करेंगे, इसको यहां से स्टार्ट करिए लगाना। एक ही बार में पहले बेटा सारे में इसमें फेविकोल लगा दीजिए, क्योंकि आपको फिर बार बार नहीं लगाना पड़ेगा। जो फालतू होगी स्ट्रिप्स हम उसको काटते चले जाएंगे, ठीक है। ये देखो इस तरीके से हमने लगा दी, और इसको आप जो बची हुई स्ट्रिप्स है उसको इस तरीके से आप निकाल लेंगे। ठीक है बेटा। और यहाँ पे फिर हमने दूसरी स्ट्रिप्स उठाई, इसको आप बाहर बेटा सिर्फ हम ऊपर ही लगाएंगे, पीछे की तरफ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको खोलिए अंदर इस तरीके से, और यहाँ अंदर हम इसमें पूरे में लगाएंगे, पूरे में एक साथ आप फेविकोल लगा लीजिए। बेटा कोई भी बच्चा अकेले में सीजर से काम नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा छोड़ के करेंगे ताकि दूसरी शीट से ये हमारी कवर हो जाए। बेटा इसमें भी आप क्या करेंगे, जो फालतू है उसको आप इस तरीके से कट कर देंगे।
इस तरीके। अब देखो बेटा आपने क्या करना है, ये हमने शीट ले ली है, ठीक है, एक शीट ले ली आपने। इसका क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है बच्चों। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से इसको फोल्ड कर देंगे अपनी, आप देखिए राइट साइड से लेफ्ट साइड आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब फिर से क्या करेंगे, अब इसका ऊपर वाला कॉर्नर उठाइए और इसको फिर अपनी तरफ लाना है। हर बार शीट को आपने फोल्ड करके अपनी तरफ ही लाना है, ठीक है, और फिर से इसको अपनी तरफ ही ले आना है। अब देखो फिर से एक बार देख लो, जिन बच्चों को समझ नहीं आया है, यह देखो बेटा हमारे पास यह शीट थी, ठीक, इसको आपने इस तरीके से फोल्ड दिया, ठीक है, फिर से फोल्ड दे दिया, बस अपनी तरफ ही लाना है बार बार उसको मोड़ के। फिर ये देखो हमने अपनी तरफ लिया, फिर अपनी तरफ, ठीक है, इस तरीके से, ये देखो हमारे पास फोल्ड है। अब आप क्या करेंगे, इसको पेंसिल से ऐसे आप इसको उल्टा सी कह सकते हैं, आप इसको उल्टा या हाफ मून कह सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से करके और आपने इसको कट कर देना है। यह देखो बेटा इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको यहां पे फेविकोल लगाना है और अपने इस राइट साइड पे आपने जिधर, ये देखिए इसका ध्यान रखिएगा कि ये कहीं नीचे ना चला जाए, तो आपने इस तरीके से लाके अपने फ्लावर को पेस्ट कर देना, ठीक है बेटा। अब हमने इसको एक साइड रख देना है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ग्रीन शीट हमने जो ली है, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, ये देखो ध्यान से देखेंगे, पहले आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, फोल्ड किया, अब फिर से फोल्ड कर लो, कर लिया बेटा। अब आप इसको खोलेंगे ना तो देखो ये चार पार्टों में डिवाइड हो गया है, ये देखो 1 2 3 4, ठीक। अब आपके पास आप देखेंगे, या देखिए आपको ये लाइंस नजर आ रही हैं, देख रहे हैं आप ये लाइंस, तो आपने क्या करना है, अपना ये कॉर्नर ऊपर से पकड़िए और इस लाइन के पास लाके इसको फोल्ड करिए, ठीक है बेटा, इस तरीके से। अब आपने दूसरी तरफ से भी लाके फोल्ड करना है, ठीक। अब आपने तीसरी तरफ से लाके फोल्ड करना है, अब आपने चौथी साइड से लाके फोल्ड करना है, कर दिया बेटा। अब आपने क्या करना है, इसको पलट देना है, ऐसे उल्टा कर देना है, उल्टा करके फिर क्या करेंगे आप, इसको फिर से, ये देखो यहाँ पे एक आपके पास ये पॉइंट आ गया, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, इस पॉइंट के पास आप इस पेपर को अपनी तरफ लाके फोल्ड करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। अब इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे, अब इसको तीसरी साइड से फोल्ड करेंगे, अब इसको चौथी साइड से फोल्ड करेंगे, अब इसको फिर से हम पलट देंगे, ये देखो हमने पलट दिया, ठीक बेटा। अब देखो जिन बच्चों से ये पेपर अंदर की साइड फोल्ड हो जाता तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे बाहर की तरफ लाके फोल्ड कर दीजिए, ठीक। बिल्कुल आसान तरीका बता रही हूँ कि जिन बच्चों से अगर अंदर की साइड फोल्ड हो जाता तो वेल एंड गुड, नहीं तो बेटा आप इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ लाके फोल्ड कर दीजिए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और आप क्या करेंगे, इसको अब आपने क्या करना है बेटा, इसमें थोड़ा सा फेविकोल लगाएंगे और इसके ऊपर आपने लाके इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे, जिनके ये कॉर्नर सूट रहे हैं तो आप थोड़ा सा इसमें फेविकोल लगा दीजिए, इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, बेटा देखिए यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा ये जो आपका डेकोरेशन का मटेरियल है, तो आप क्या करेंगे इसके चारों कॉर्नर्स पे, जैसे ये इसके चार फोर कॉर्नर्स है, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको सुंदर बनाने के लिए इसमें इस तरीके से स्टोन लगा दीजिए, देख रहे बेटा।
और यहाँ पे आप अपने पापा की फोटो लगाएंगे, ठीक है, आपके मम्मी से ले लीजिए, और आप यहाँ पे अपने फादर की फोटो लगाएंगे, और यहाँ पे आप सुंदर सा, ठीक है, कोई भी आप अपने पापा के लिए जो भी लाइंस आपके मन में है पापा के प्रति वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ पे सुंदर सा लिख देंगे, तो देखा बेटा कितना सुंदर आपका ये कार्ड बनके कंप्लीट हो गया। तो आप इसको बनाएंगे और दोनों एक्टिविटी को अपने नाम और क्लास के साथ आपने अपने ग्रुप में सेंड करना है। और बच्चों अभी तक और जो पहले हमने आपको काम कराया था अप्रैल से लेके स्टार्ट कराया था वह काम बुक का और कॉपी का, प्लस अब जो हम आपको कराते जा रहे हैं आपने वो साथ साथ करके अपने ग्रुप में सेंड करते जाना है, क्योंकि इस बार आपको पता है ना ड्राइंग का पेपर भी होने जा रहा है आपका, तो आपने शुरू से ही अपनी तैयारी रखनी है। ठीक है बेटा, थैंक यू।